बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जुबान से बात करो। जो चीज मैं चाहता हूं वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है। यहां एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो इसे समझ सकता है। हम जितना पुरसुकून होते हैं उतना ही ज्यादा हम सुन सकते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अपनी तकलीफ में गुम ना हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है। जानने का फन ये जानना है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। अपनी जरूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी जरूरियात भी पूरी करेगा। कभी भी किसी खुशी के जाने पर गम ना करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे इख्तलाफ करता है तो आपके दिल में नफरत की एक छोटी सी चींटी जन्म लेती है। अगर आप इस चींटी को एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन सकता है। आपका रास्ता अकेले का है, दूसरे आपके साथ उस पर चल सकते हैं लेकिन आपके लिए इस पर कोई नहीं चलता। जो चीज आपके पास नहीं आती उस पर गम न करें। कुछ चीजें जो आप चाहते हैं नहीं आती वो आफात को आने से रोकती हैं। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। जब मोहब्बत कबूल ना हो तो आगे बढ़े, जब मोहब्बत की तारीफ ना की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनके दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात ना रखो। आप जो नहीं जानते उसे दूसरों को ना सिखाएं। चिराग बनो या जिंदगी की कश्ती या सीढ़ी, किसी की रूह को ठीक करने में मदद करो।
चीजों के सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है। मैं आपसे वहां मिलूंगा। दरख्त की तरह बनो और मरे हुए पत्तों को गिरने दो। जब मैं किसी चीज के पीछे भागता हूं तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूं। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूं तो मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब ना करते। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रींगने के लिए नहीं हैं। आपके पास पंख हैं, इन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालिफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि अब एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारे, क्योंकि ये वो वक्त और जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। रात की तरह बनो जो दूसरों के ऐब छुपाने के लिए होती है। सखावत के लिए बहते पानी की तरह बनो, गुस्से के लिए मौत की तरह बने, हया के लिए जमीन की तरह बनो। जैसे तुम हो वैसे ही दूसरे के सामने जाहिर हो। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं तो आपको खरीदा और बेचा जाएगा। अगर आपको खाने का लालच है तो आप एक रोटी बन जाएंगे। ये एक हकीकत है। आप जिस चीज से प्यार करते हैं आप वही बन जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से दुगना खूबसूरत हैं। आपको अपना दिल तोड़ते रहना है जब तक कि ये खुल ना जाए। हासिल करने के बाद शुक्रिया अदा करना आसान है। आप जो चाहते हो उसे हासिल करने से पहले शुक्रगुजार रहें। उदास दोस्त के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? तन्हा महसूस न करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। आप जिस चीज की तलाश करते हैं उससे आप अपनी कदर जाहिर करते हैं। शुक्र को चादर की तरह पहनो और ये आपकी जिंदगी के हर कोने को छुपाएगा। हर दरख्त जो आप बोते हैं वो फल देगा। लिहाजा अगर आपको एहसास है मेरे दोस्त, तो मोहब्बत के सिवा कुछ न बोना। कल चला गया और उसकी कहानी भी खत्म। आज हमें फिर से एक नई कहानी जीना है। अगर इस दुनिया में कोई चीज आपको खुश करती है, आपको सोचना चाहिए कि अगर वो चीज छीन ली गई तो आपका क्या बनेगा। सब्र करो, चाहे हर दरवाजा बंद ही क्यों ना हो। मैं आपके पास मेरे बगैर आया हूं, आप खुद के बगैर मेरे पास आ जाना। आप
आप जिस चीज की तलाश करते हैं पहले से ही आपके अंदर है। खामोश रहें और सुनें। अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार बनो और आपका चेहरा सूरज की तरह चमकेगा और हर कोई जो इसे देखेगा खुश होगा। चिराग मुख्तलिफ हैं लेकिन रोशनी एक ही है। बहुत सी खराबियां आप दूसरों में देखते हैं, क्या आपकी अपनी फितरत उनमें झलकती है? अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिलो जान से प्यार करते हैं उनके लिए अलविदा नाम की कोई चीज नहीं होती। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी पकड़ने और छोड़ने का नाम है। जब आप पुरमन खुशी महसूस करते हैं तब ही आप सच्चाई के करीब होते हैं। मैं अपने दोस्तों से ना तो अपने दिल से प्यार करता हूं और ना ही अपने दिमाग से। दिल रुक सकता है, दिमाग भूल सकता है, मैं उन्हें अपनी रूह से प्यार करता हूं। रूह कभी नहीं रुकती और ना भूलती है। तुम्हारे साथ जो भी हो जाए मायूस मत हो, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तुम्हारे लिए एक खुफिया रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं है। तुम उसे अभी नहीं देख सकते, आप सिर्फ शुक्रगुजार रहें। जब आप अपनी रूह से काम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप में एक दरिया रमा दमा है। अगर रोशनी आपके दिल में है तो आप अपने घर का रास्ता तलाश कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए बस मुस्कुराते रहो और खुद को मोहब्बत में खो जाने दो। जो आपको तकलीफ देता है आपको बरकत देता है, अंधेरा आपकी शमा है। तुम सबसे ज्यादा कीमती हो, मैं और क्या कह सकता हूं, तुम अपनी कदर नहीं जानते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से तोहफा तलाश किया है। सोने की कान में सोना लाना या समंदर में पानी लाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा दिल और मेरी जान आपके पास पहले से मौजूद है, इसलिए मैं आपके लिए एक आईना लाया हूं। इसमें अपने आप को देखो और मुझे याद रखना।